देखते हैं कि हम कौन से सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं और उस सब्जेक्ट कैसे रिलेटेड है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से, जो असली काम है उससे कैसे रिलेटेड है वो। पहला पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर में अंडर एनवायरमेंटल। मैंने तोड़ दिया है सब्जेक्ट्स को एनवायरमेंटल में, जियोटेक्निकल में, स्ट्रक्चर्स में, ट्रांसपोर्ट एंड मैनेजमेंट, सारे सब्जेक्ट्स को इन भागों मैंने तोड़ दिया है। अब हम देखते हैं एनवायरमेंटल। पहला फ्लूइड्स। फ्लूइड्स मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के वीडियो में भी बताया था, वो ये होता है कि आप पानी को, पेट्रोल को, डीजल को, हनी को, कोई भी लिक्विड को कितनी प्रेशर से कितनी दूर आप बहा सकते हैं, जब वो बहेगा कितनी तेज बह सकता है, और जब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा तो उसमें कितना एनर्जी हमें चाहिए उसे वहां से वहां पहुंचाने के लिए, ये सब पढ़ा जाता है फ्लूइड्स में। एक सिविल इंजीनियर के लिए बहुत जरूरी है कि वो फ्लूइड समझे, क्यों? क्योंकि उसे रिवर्स के साथ काम करना है, उसे डैम्स बनाने हैं, उनका भाव समझना है, तो बहुत जरूरी है। तो थर्ड सेमेस्टर में सिविल इंजीनियर पहला सब्जेक्ट जो पढ़ेगा वो है फ्लूइड्स। सेकंड सब्जेक्ट विद इन स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स का मतलब है बिल्डिंग बनाना, डैम बनाना, ब्रिजेस बनाना, स्टेडियम बनाना। एक सिविल इंजीनियर का मेन काम क्या है? वो ये सब को बनाना चाहता है, समझना चाहता है कि कैसे कम मटेरियल यूज करके वो अच्छी और ताकतवर बिल्डिंग या इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना सके। प्लस बनाने से पहले उसे जानकारी होनी चाहिए कि वो टूटेंगे तो नहीं, तो उसकी स्ट्रेस एनालिसिस करना, ये मेन काम है एक सिविल इंजीनियर का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पहला आता है बिल्डिंग मटीरियल। बिल्डिंग मटेरियल का मतलब है कि क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं जब आप एक बिल्डिंग या कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसमें आपने देखा होगा इस तरह की ईंटें, कंक्रीट, ब्राउन कलर की, ग्रे कलर की, टीम की, ये सब हो गया बिल्डिंग मटेरियल। मैं एक लेके आया हूँ ये ईंट, तो ये ईंट भी एक बिल्डिंग मटेरियल है, भट्टी में बनता है ये ईंट, तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी? इसको अगर मैं ऐसे गिराऊं तो ये कैसे टूटेगा, इसको मैं हथौड़े से मारूं तो कैसे टूटेगा, हवा जब चलेगी तो ये कैसे टूटेगा। तो ये सब पढ़ेंगे आप बिल्डिंग मटेरियल में, कि इसकी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी शियर स्ट्रेंथ कितनी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, कंप्रेशन स्ट्रेंथ कितनी है। स्ट्रेंथ का मतलब है इसकी ताकत, ये कितना भार झेल सकता है, ये सब आप पढ़ें बिल्डिंग मटीरियल में। ये सारे मटीरियल्स स्ट्रक्चर्स के अंदर दूसरा सब्जेक्ट जो आता है वो है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। मैकेनिक्स का हमेशा मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के चैप्टर में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, मैकेनिक्स का मतलब होता है कि जब आप स्ट्रेस लगाते हैं तो कोई भी चीज कि उस पे उसका प्रभाव उस स्ट्रेस का क्या होता है। स्ट्रेस का मतलब है कोई भी फोर्स लगाएं तो फोर्स, प्रेशर, उसके प्रभाव में उस चीज का कैसा बिहेवियर, कैसा व्यवहार रहता है, ये होता है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का मतलब है कि हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी मटेरियल जो हमने यूज किया है जब उसमें किसी तरह का स्ट्रेस लगेगा तो कैसा बिहेवियर करेगा, क्या वो मुड़ेगा, मुड़ेगा तो कितना मुड़ेगा, और अगर मुड़ेगा तो किस भार पे जाके वो टूटेगा, ये सब आप पढ़ेंगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में, जो एक सिविल इंजीनियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ट्रांसपोर्ट के अंदर सबसे पहला सब्जेक्ट जो आपका आता है वो है सर्वेइंग। सर्वेइंग जैसे मैंने रख दिया है ट्रांसपोर्ट के अंदर, लेकिन ये हर एक चीज में काम आएगा, चाहे आप डैम बनाए, ब्रिज बनाए, स्टेडियम बनाए, हर में काम आएगा। शुरू में मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाया कि जब हमें गड्ढा खोद के फाउंडेशन या नींव रखनी थी तो हमने पहले करी सर्वेइंग। सर्वेइंग का मतलब होता है कि हम देखेंगे कि हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं उनके बीच में एंगल कितना है। तो और सिंपल भाषा में बोले तो हम देखेंगे कितना चढ़ाव है, कितना गिराव है हमारे लैंड में जहां पे हम बनाना चाह रहे हैं। तो सर्वेइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो आपको पढ़ना है बिफोर कंस्ट्रक्शन, स्टार्टिंग करने से पहले, कंस्ट्रक्शन की स्टार्टिंग करने से पहले। जैसे ये लड़का कर रहा है ये आप लोगों ने देखा होगा,